नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के अपने इस वीडियो में हम कंप्यूटर से संबंधित कुछ प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो जिन प्रश्नों को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं उनको हम देख लेते हैं, ठीक है। तो जो हमारा प्रश्न है वह है कि कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणक ही नहीं बल्कि डॉट 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 सूचना को संसाधित करने वाला साधन भी है, ठीक है। तो इसके लिए ऑप्शन जो नंबर ए है वह है गणितीय, ऑप्शन बी है अगणितीय, ऑप्शन सी है विवरण और ऑप्शन डी है ए और बी दोनों, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ए और बी दोनों, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। यानी जो कंप्यूटर है वह गणक भी है, इसके साथ साथ और गणितीय और अगणितीय दोनों ही प्रकार की सूचना को संसाधित करने वाला साधन भी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मानव मन और कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है, ठीक है। हमें बताना है कि मानव मन और कंप्यूटर इन दोनों में किसकी गति अधिक है। ऑप्शन ए है मानव मन, ऑप्शन बी है कंप्यूटर, ऑप्शन सी है दोनों बराबर और ऑप्शन डी है कह नहीं सकते। तो इसका जो सही आंसर है वह है मानव मन, यानी मानव मन की जो गति होती है वह कंप्यूटर से भी अधिक होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सीपीयू के काम हैं, ठीक है, सीपीयू के काम बताना है। ऑप्शन ए है अंकगणितीय परिकलन, ऑप्शन बी है दो राशियों के मानों की तुलना, ऑप्शन सी है कृत्रिम स्मृति में वांछित डेटा और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ये जो तीन काम दिए गए हैं इन तीनों कामों में सीपीयू का कोई भी काम नहीं है, इसलिए इसका आंसर जो सही होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। कुछ अतिरिक्त जानकारी है जैसे कि सीपीयू, सीपीयू का पूरा नाम अधिकतर पूछा जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। इसे हम प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर और केवल सीपीयू भी कह देते हैं, और इसी को हम बोलते हैं कंप्यूटर का दिमाग, ठीक है। क्योंकि जो सीपीयू होता है कंप्यूटर से जुड़े सभी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से प्राप्त निर्देशों को संभालता है, और इसका एक काम और होता है कि जो इनपुट डिवाइस इसको निर्देश मिलते हैं उस डाटा को प्राप्त करता है और उसको प्रोसेस करता है और परिणाम यानी आउटपुट देता है। यह काम और भी सीपीयू का है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है, ठीक है। तो मानव की जो स्मरण शक्ति है कंप्यूटर की तुलना में कैसी होती है ये हमें बताना है। ऑप्शन ए है सामान्य, ऑप्शन बी है उच्च, ऑप्शन सी है निम्न और ऑप्शन डी है औसत, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए सामान्य, यानी मनुष्य की जो स्मरण शक्ति होती है वह कंप्यूटर की तुलना में बहुत ही सामान्य होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है। ऑप्शन ए शुद्ध बुद्धि, ऑप्शन बी मानव बुद्धि, ऑप्शन सी कृत्रिम बुद्धि और ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वह है कृत्रिम बुद्धि, यानी कि जो कंप्यूटर की बुद्धि है उसको कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर के रचना शिल्प में कौन सी विशेषताएं नहीं पाई जाती हैं, ठीक है। हमें नहीं पाई जाती हैं बताना है। ऑप्शन ए है सारे अवयव स्वचालित रूप से काम करते हैं, ऑप्शन बी है इसमें निवेश एवं निर्गम के लिए एक से अधिक कई विधियों का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन सी है यह कम गति एवं अशुद्धता से काम करता है और ऑप्शन डी है स्मृति भंडार कम कीमत अथवा लागत वाला होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर सी, यानी जो ऑप्शन नंबर सी है यह कंप्यूटर की कोई विशेषता नहीं है, यानी जो कंप्यूटर होता है इसकी गति कम नहीं होती है और यह अशुद्धता से काम नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ अतिरिक्त जानकारी है जैसे कि कंप्यूटर जो है वह पूर्व निर्धारित निर्देशों के अनुसार तीव्र निर्णय लेने में सक्षम है और यह त्रुटि रहित कार्य करता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य में डॉट 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 शामिल होते हैं, ठीक है। तो क्या क्या शामिल होते हैं। ऑप्शन ए है डेटा का संकलन,
ऑप्शन बी है डेटा का संचयन, ऑप्शन सी है डेटा संसाधन और इन्फॉर्मेशन का निर्गमन या पुनर्निर्गमन, और ऑप्शन डी है ए बी सी तीनों। तो इसका जो सही आंसर है वह ए बी सी तीनों। ठीक है, अब जो कंप्यूटर के कार्य होते हैं वो क्या क्या मुख्य कार्य हैं? तो पहला जो कार्य है वह है डेटा का संकलन यानी डेटा कलेक्शन। ऑप्शन जो दूसरा नंबर का कार्य है वह है डेटा संचयन यानी डाटा स्टोरेज। और जो 3 नंबर का काम है वह है डेटा संसाधन यानी डाटा का प्रोसेसिंग। और जो 4th नंबर का काम है वह है डेटा निर्गमन यानी डेटा आउटपुट। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर की क्षमता है, ठीक है, तो कंप्यूटर की क्षमता कैसी है? ऑप्शन ए सीमित, ऑप्शन बी असीमित, ऑप्शन सी निम्न या ऑप्शन डी उच्च। ठीक है, तो इन 4 ऑप्शन में जो कंप्यूटर की क्षमता है वह है सीमित, यानी जो कंप्यूटर होता है इसकी जो क्षमता होती है वह एक लिमिटेड यानी सीमित होती है। कुछ अतिरिक्त जानकारी है कि जैसे जो कंप्यूटर है वह त्रुटि रहित कार्य करता है, यह स्थायी तथा विशाल भंडारण क्षमता की सुविधा देता है, परंतु कंप्यूटर की भंडारण क्षमता सीमित है और इसे बढ़ाया या कम किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है? ऑप्शन ए निवेश, ऑप्शन बी आउटपुट, ऑप्शन सी सीपीयू या ऑप्शन डी इंटरनेट। ठीक है, इन 4 ऑप्शन में हमें बताना है कि कंप्यूटर की जो कार्य प्रणाली है इसमें कौन शामिल नहीं है। तो इसमें इंटरनेट जो होता है वह इसमें शामिल नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या कहलाता है? ये हमें बताना है कि जो कंप्यूटर है इसका नियंत्रक भाग क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है प्रिंटर, ऑप्शन बी है कुंजी पटल, ऑप्शन सी है सीपीयू और ऑप्शन डी है हार्ड डिस्क। तो इसका जो सही आंसर है वह है सीपीयू, यानी कंप्यूटर का जो नियंत्रक भाग है उसको हम बोलते हैं सीपीयू। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।